दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी करते ही सूर्य ने मचाया बल्ले से कदर, तो किंग कोहली की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ते हुए नजर आए बांग्लादेशी गेंदबाज। तीसरे वनडे में मचाया है भारतीय टीम ने कोहराम, तो आखिर कैसे रफ्तार के बादशाह उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी के बाद सूर्य और कोहली ने चौके और छक्कों की बरसात कर रौंद दिया बांग्लादेश को। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, लेकिन अब भारतीय टीम की लाज बचाने का आखिरी मौका बचा था, क्योंकि तीसरे वनडे मैच में यदि भारत हार जाती है तो पूरी दुनिया के सामने हम शर्मसार हो जाते हैं और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में तीसरे वनडे मैच को जीतने के लिए विराट कोहली के साथ सूर्य कुमार यादव और उमरान मलिक ने पूरा जोर लगा दिया और बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और इसका बखूबी फायदा उठाया विराट कोहली ने, जिन्हें रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम के लिए पारी का शुरुआत करने का मौका मिला। उन्होंने उतरते ही चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि अपनी चौथी ही गेंद पर किंग ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिसे देख मुस्तफिजुर रहमान का तो मुंह खुला का खुला रह गया, पर यह तो केवल उनकी विस्फोटक पारी का नमूना मात्र था। जी हां, आज उनका बखूबी साथ निभा रहे थे टीम में आखिरी क्षण में शामिल किए जाने वाले सूर्य कुमार यादव, जिन्हें पहले तो मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन पर भरोसा जताया गया इस खिलाड़ी ने अपने आप को एक बार फिर से साबित किया। दोस्तों, सूर्य और कोहली को देखते ही देखते उन्होंने 100 और उसके बाद 150 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, लेकिन सूर्या तो आज जैसे सिर पर कफन बांधकर उतरे थे और उन्होंने गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन के एक ओवर में 4 तूफानी छक्के जड़कर इस खिलाड़ी की दिशा और दशा खराब कर दी और ये बता दिया कि आज का दिन उनके हवाले होने वाला है। जी हां, सूर्या ने देखते ही देखते 29 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगा दिया और वहीं कोहली ने भी 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद इन दोनों ने अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को इस कदर पीटा कि वो थर-थर कांपने लगा। जी हां, इनकी खौफनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन दोनों ने भारतीय टीम का स्कोर 50 ओवर की समाप्ति पर 365 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसमें विराट कोहली ने 143 रनों की नाबाद पारी खेली और जिसमें उन्होंने 9 तूफानी छक्के तो वहीं पर 5 चौके भी लगाए। इतना ही नहीं दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने भी 98 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अब दोस्तों, भारतीय टीम इतनी भी कमजोर नहीं है कि 365 रन बनाकर भी हार जाए और ये बात साबित की रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान मलिक ने। जी हां, गेंदबाजी करने आए उमरान मलिक ने आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी और उनका पहला शिकार बने लिंटन दास। जी हां, लिंटन तो उमरान के सामने पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए, जिनका कैच विराट कोहली ने पकड़ा। बस फिर क्या था, अब शेर के मुंह में खून तो लग ही चुका था। उसके बाद उमरान ने एक एक करके शाकिब और अल हसन, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह को क्लीन बोल्ड करके बांग्लादेश की पारी को पूरी तरह से 150 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वनडे के बाद क्या भारतीय टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।